हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्तकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। MBBSC प्री प्रैक्टिस सेट, आज हम चौथा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तीन प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ और जिससे मैं करवा रही हूँ, मेरा जो प्रैक्टिस सेट तैयार हुआ है मेरे चैनल पर, 11,500 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट है। 11,500 से प्लस ही प्रश्न हैं और ये हर यूनिट के 1,000 प्लस प्रश्न है। बहुत ही शानदार MCQ हैं, आप देख सकते हैं। ये हम यूनिट 3 का टॉपिक करने वाले हैं। यूनिट 3 में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, पर्वत से, पहाड़ियों से, अल नीलो, जलवायु, हर कुछ टॉपिक, आपदा, संसाधन, सब कुछ इसमें कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्टली क्वेश्चन जितने हो पाएंगे तो वो हम यहाँ पे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज का, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित कौन सा पठा पर्वत है, मतलब भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है। अरावली, देखो अरावली तो पश्चिम में स्थित है, मिकाल पर्वत पूरब में है और नीलगिरी पर्वत दक्षिण में है। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल जो है सबसे उत्तरी में स्थित है। हिमाचल पर्वत कहाँ पर है, सबसे उत्तर में है, तो इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, व्यक्तित्व मतलब इसको ज्वालामुखी पर्वत, वलित पर्वत, विलाप पर्वत या अपशिष्ट पर्वत। तो जो हिमालय पर्वत है एक वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय पर्वत कैसा है, वलित पर्वत का उदाहरण है। वलित पर्वत क्या होते हैं, तो जब चट्टानों में जब चट्टान होती है तो उसमें पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के कारण मोड़ या बलन पड़ता है, मतलब इस टाइप से घूम टाइप जाते हैं और उन्हीं को ही हम वलित या मोड़दार पर्वत कहते हैं। जिस मतलब जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण कुछ हलचल होती है, मोड़ उत्पन्न होता है, तो वलित का पर्वत का निर्माण होता है। और ये जो वलित पर्वत होते हैं ये विश्व के सबसे युवा पर्वत होते हैं। याद रखिएगा, ये जो वलित पर्वत की क्वालिटी क्या होती है कि ये सबसे युवा पर्वत के अंतर्गत है, मतलब हिमालय पर्वत जो होगा ना वो सबसे युवा पर्वत के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा ये ऊंचे होते हैं, ये ऊंचे भी पर्वत होते हैं विश्व के, और युवा भी होते हैं, ऊंचे भी होते हैं और विस्तृत भी होते हैं। ये वलित पर्वत की एक क्वालिटी है कि ये युवा, ऊंचे और विस्तृत तीनों होते हैं। तो हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है, वलित पर्वत का उदाहरण है, याद रखिएगा। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार इनमें वलन पर्वत, प्लेट विवर्तनिकी के जो सिद्धांत होते हैं उसके अंतर्गत, उसी सिद्धांत के अनुसार इनमें वलन पड़ते हैं। आपसे पूछे वलित पर्वत के और उदाहरण क्या है, एक तो हिमालय हो गया, ये हमारे MBBSC प्री के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसके अलावा और भी पर्वत हैं जो वलित हैं, जैसे कि रॉकी पर्वत हुआ, ये भी वलित है। अल्पाइन पर्वत समूह, ये भी वलित है। एटलस पर्वत जो कि यूरोप में है, ये भी वलित पर्वत है। हिंदू कुश पर्वत जो कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की सीमा पर है, ये भी हिंदू कुश पर्वत भी, तो ये सभी वलित पर्वत के उदाहरण हैं। अगला है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सी है, गॉडविन ऑस्टिन, कॉमेट, नंदा कोटा या नंदा देवी। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है इनमें से कौन सी है। देखो जो गॉडविन ऑस्टिन है, ये जिसको काराकोरम श्रेणी कहते हैं, ये 8,611 मीटर है, ये विश्व की दूसरे नंबर पर चोटी है और भारत पाकिस्तान चीन की सीमा के पास है ये, और इसको काराकोरम श्रेणी या काराकोरम रेंज भी बोलते हैं। और ये जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला का उच्चतम बिंदु और पाकिस्तान और सिंजियांग दोनों में उच्चतम बिंदु गॉडविन ऑस्टिन कहलाता है। इसके अलावा अगर गॉडविन ऑस्टिन आपसे आंसर नहीं दिया होगा तो आपको देंगे कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊँची चोटी है, तो कंचनजंगा का भी याद रखना। अगर गॉडविन ऑस्टिन, ये कंचनजंगा जो है पूरे प्रॉपर ही भारत की सबसे ऊँची चोटी है, तो कंचनजंगा याद रखना। कंचनजंगा जो चोटी है वो एशिया किस महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और ये सिक्किम में है। कंचनजंगा कहाँ पर है, कंचनजंगा सिक्किम में है और ये विश्व की तीसरी है और भारत की ऊंची है। इसके अलावा भारत की गॉडविन ऑस्टिन आए, कंचनजंगा नहीं है, तो गॉडविन ऑस्टिन पर टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। देखो हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी, अभी मैंने बताया कि हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। तो मैंने अभी बताया था जितने भी वलित पर्वत होते हैं वो युवा पर्वत होते हैं, घुमावदार जो पर्वत होते हैं वो सबसे नए पर्वत श्रेणी में आते हैं। तो इनमें सबसे नई पर्वत श्रेणी कौन सी हो जाएगी, हिमाचल या हिमालय जो है वो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी हो जाएगी।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? एवरेस्ट, नंगा पर्वत, नंदा देवी या कंचनजंगा? तो कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है, ये भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, याद रखना। कौन सा, कंचनजंगा जो है वो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर और इसकी जो ऊंचाई है वो 8,586 मीटर है, ये भी याद रखना। कंचनजंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी हिमालय की चोटी असम राज्य में स्थित है? असम राज्य में कौन सी हिमालय की चोटी है? तो वो है नामचा बरवे। नामचा बरवे जो चोटी है वो कहाँ पर है? असम में है। और ये हिमालय की, मतलब हिमालय जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर इस तरह से फैला हुआ है, तो यहाँ पे आके जो असम में जो चोटी है उसको क्या बोलते हैं? नामचा बरवे बोलते हैं। कौन सी बोल, नंदा देवी उत्तराखंड में है और नामचा बरवे कहाँ पर है? असम में है। कंचनजंगा सिक्किम में। हिमालय की उत्पत्ति किस भू संस्कृति से हुई है? सन्नति से हुई है, इसको सन्नति बोलते हैं, संस्कृति नहीं बोलते, सन्नति बोलते हैं। हिमालय की उत्पत्ति किस भू संस्कृति से हुई है? तो टैथिस से हुई है। क्या हुआ था, पहले इस तरह से टैथिस सागर था, नीचे जो है गोंडवाना पर्वत था, ऊपर अंगारा लैंड था और नीचे गोंडवाना पर्वत था। अब क्या हुआ कि जो यहाँ हिमालय, जो नीचे गोंडवाना की जो चट्टाने हैं वो घिस घिस के, यहाँ की नदियाँ हैं जो पदार्थ ले जाकर चट्टाने, रेत, मिट्टी, ये ले जा के इस समुद्र में बीच में जमती गई। यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से ये गोंडवाना जो पठार है उसका सामान इस बीच में नदी में आ रहा है, यहाँ से अंगारा लैंड का सामान इस नदी में आ रहा है। तो दोनों तरफ से जब ये नदी में सामान जा रहा, तो नदी जो है वो जम जम के रेतें, मिट्टी, चट्टान जम जम के इसने जो है पर्वत का रूप ले लिया और यही हिमालय पर्वत कहलाया। तो ये क्या आ जाएगा? टैथिस। अगला है, हिमालय का पथ प्रदेश या तलहटी किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय का पथ प्रदेश या तलहटी को शिवालिक के नाम से जानते हैं। शिवालिक के नाम से, सबसे हिमालय का जो सबसे नीचे वाला सिरा है वो क्या कहलाता है? शिवालिक का नाम से जाना जाता है। अगला है, नंदा देवी कहाँ पर स्थित है? हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल या तेलंगाना में? तो नंदा देवी जो पर्वत है वो उत्तराखंड में स्थित है। बद्रीनाथ किस पर कहाँ पर अवस्थित है? तो बद्रीनाथ कुमाऊँ हिमाचल पर अवस्थित है। बद्रीनाथ कहाँ पर है? बद्रीनाथ कुमाऊँ हिमाचल पर स्थित है। अब आपको ये इसमें सुमेलित करना है कि कौन सी नदी किससे सुमेलित है, कौन सा किस पे। तो देखो, पंजाब हिमालय जो है वो सिंधु और सतलुज के, ये बता रहा है। जैसे हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है वो चार भागों में किया हुआ है, एक है पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमाऊँ हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय और चौथा है असम हिमालय। ये हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है, मतलब क्षेत्र वाइज इसका विभाजन किया है। तो जो पंजाब हिमालय है वो सिंधु और सतलुज के बीच है। पंजाब हिमालय कैसा है? पंजाब हिमालय सतलुज और सिंधु के बीच है। कुमाऊँ हिमालय की बात की जाए तो वो सतलुज तथा काली नदी के बीच है कुमाऊँ हिमालय। इसके बाद बात की जाए नेपाल हिमालय की, तो नेपाल हिमालय जो है वो काली नदी तथा तिस्ता के मध्य है। काली नदी तथा तीस्ता नदी के बीच क्या है? नेपाल हिमालय। और असम हिमालय किस नदी के बीच है? जो असम हिमालय है वो तीस्ता तथा दिहांग नदी के बीच है। असम हिमालय किसके है? तीस्ता तथा दिहांग नदी के बीच है। तो याद रखिएगा, पंजाब हिमालय कहाँ पर है? सिंधु तथा सतलुज के बीच है। कुमाऊँ हिमालय सतलुज तथा काली नदी के बीच है। नेपाल हिमालय काली तथा तीस्ता के बीच है। और असम तीस्ता तथा दिहांग के बीच है। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, आपको पूरा का पूरा MPPSC का सिलेबस प्रैक्टिस सेट के रूप में मिल रहा है। हर यूनिट के 1000+ आपको प्रश्न मिल रहे हैं, एक साथ मिल रहे हैं। आप इसके प्रैक्टिस सेट की आप हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, पर्चे दोनों तरह से परचेस कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी का इसका चार्ज केवल 499। 499 में आपको 11,500+ प्रश्न मिल रहे हैं, वो भी यूनिट वाइज। चाहे यूनिट 6 हो जो नया जुड़ा हो, चाहे यूनिट 1 का टॉपिक हो न्यू जुड़ा हो, चाहे यूनिट 3 का टॉपिक हो, और चाहे यूनिट 10 हो, चाहे यूनिट 8 करंट अफेयर्स हो, हर कुछ हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कवर किया है। और आप लोगों को परेशानी ना हो पीछे आंसर देखने के लिए, तो हमने हर पेज में, जैसे कि एक पेज में अगर 14 प्रश्न हैं तो 14 ही प्रश्न के नीचे आंसर लिखे हुए हैं, तो ताकि आप ऊपर देख देख के कि क्या होगा, नीचे से अपने आंसर भी टिक कर सके। पूरा का पूरा प्रैक्टिकल होके ये टेस्ट बनाए गए हैं कि ताकि आपको परेशानी ना पड़े।
अगर आप ये टेस्ट परचेस करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करना है, आपको व्हाट्सएप पर आपको बोलना है कि आपको ये प्रैक्टिस सेट लेना है 11,500 प्रश्नों की। साथ में अगर सॉफ्ट कॉपी लेना है तो आपको 499 का पेमेंट करना पड़ेगा। आपको हार्ड कॉपी लेना है तो आपको 1399 का पेमेंट करना रहेगा, प्लस जो कोरियर चार्ज रहेगा वो आपकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग रहेगा। जितना भी अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट में मंगवा लेते हैं, MP में किसी बड़ी तहसील में मंगवा लेते हैं तो केवल 70 रुपये कोरियर चार्ज लगेगा। बाकी अगर किसी गाँव में मंगवाते हैं या आउट ऑफ MP मंगवाते हैं तो कोरियर चार्ज जो है बढ़ जाता है। तो अगर आप ये शानदार टेस्ट सीरीज़ पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट, हर यूनिट के, हर टॉपिक के सिलेबस के प्रैक्टिस सेट के रूप में केवल यहीं पर हमारे ही चैनल पर उपलब्ध है, तो आप उसको एज अ हार्ड कॉपी भी मंगवा सकते हैं और सॉफ्ट कॉपी, इसको आप टेस्ट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, ये है हमारा प्रैक्टिस सेट, ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट है, यूनिट वाइज इस तरह का मिलेगा। और ये नंबर है मेरा व्हाट्सअप नंबर, इस नंबर पर आपको मुझे व्हाट्सअप करना है 6260190944। यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 6, यूनिट 8, इनके प्रश्न जो हैं करीब 1700 से 1800 MCQ हमने कवर किए हैं, क्योंकि यहाँ पर, और यूनिट 5 इनका क्योंकि वेटेज ज़्यादा रहने वाला है इसलिए, और नए भी टॉपिक जुड़े तो इनको हमने ज़्यादा किया है कवर। और करंट अफेयर्स मार्च तक का करंट अफेयर्स इसमें, मतलब 10 मार्च तक का करंट अफेयर्स इसमें कवर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का लेवल आप देखिए, हर टॉपिक को कवर किया है मैंने, इसके पहले 3 सेट और बनाए हैं वो भी देख लीजिएगा, आपको एकदम से पता चल जाएगा कि हम किस प्रकार का प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं और हमने किस प्रकार के क्वेश्चन कवर रखे हैं। हिमालय में जो हिमरेखा होती है वो किस कितने के बीच होती है, किसके बीच होती है हिमालय में हिमरेखा, 54,000 से 6,000, 4,000 से 5,800 से 6,000, ये 4,500 से 6,000 मीटर तो पश्चिम में होती है। तो 4,500 से 6,000 मीटर पश्चिम में हिमालय में हिमरेखा होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, हिमालय में हिमरेखा कितने होती है, 4,500 से 6,000 मीटर पश्चिम में होती है। अगला है, कौन सी पर्वत चोटी दुनिया की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, तो दुनिया की सबसे, इनमें से ही बताना है आपको, इनमें से सबसे ऊंची कौन है, तो इनमें से है गॉडविन आस्टिन 8,611। वैसे तो माउंट एवरेस्ट है पर यहाँ पे माउंट एवरेस्ट आंसर नहीं है तो क्या हो जाएगा, गॉडविन आस्टिन दूसरी है, कंचनजंगा तीसरी है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है, इसको पहले, अभी K2 तो अभी ही कहते हैं, पूर्व नाम क्या है, तो पूर्व नाम है इसका कृष्णागिरी, क्या है इसका, कृष्णागिरी है। सागर माथा, हम जो नेपाल में माउंट एवरेस्ट है उसको हम सागर माथा बोलते हैं, और काराकोरम पर्वत का पूर्ण नाम क्या है, काराकोरम पर्वत का पूरा पूर्व नाम है कृष्णागिरी। अगला है, हिमालय क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली और अनुधैर्य घाटी को किस नाम से जाना जाता है, तो हिमालय क्षेत्र में जो अनुधैर्य घाटियाँ, लंबी लंबी जो घाटियाँ होती हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, उनको दून के नाम से जाना जाता है, जैसे कि आपने सुना होगा देहरादून, ये हिमालय क्षेत्र की लंबी लंबी घाटियाँ ही हैं जिनको दून नाम से जाना जाता है, उदाहरण जैसे देहरादून। अगला है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में, तो गुलमर्ग में क्या जुड़ा हुआ है, ये मर्ग, तो ये मर्ग जो है छोटे छोटे घास के मैदान ही होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मर्ग हो जाएगा। अगला है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में, देखो जम्मू कश्मीर में तो हमने क्या बोल दिया है, मर्ग बोलते हैं, और जो लघु हिमालय उत्तराखंड में इसको क्या बोलते हैं, उत्तराखंड में इसको बुग्याल और द्वार बोलते हैं, बुग्याल और क्या बोलते हैं, द्वार, बुग्याल और द्वार बोला जाता है उत्तराखंड में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सतलुज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा भाग स्थित है, सतलुज एवं काली नदियों के बीच, तो सतलुज, अभी मैंने ऊपर बताया था, सतलुज एवं काली नदियों के बीच कुमायूं हिमालय स्थित है, कौन सा, कुमायूं, और काली और तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग नदी के बीच असम हिमालय है, और सतलुज नदी के बीच जो स्थित, सतलुज सिंधु के बीच, वो है पंजाब हिमालय। अगला है, काली एवं तीस्ता नदी के बीच कौन सा, अभी मैंने बताया था काली और तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय है। किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट को सागर माथा का, इसकी लंबाई 8,848 है लेकिन अभी 2 मीटर और बढ़ गई है तो 8,850 हो गई है। एनमन हिलैरी तथा तेनचिंग नॉर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय पाई थी, तो सबसे पहले विजय पाई थी 1953 में।
नंदा देवी चोटी किसका भाग है? तो नंदा देवी चोटी जो है वो कुमाऊँ हिमालय का भाग है, उत्तराखंड में है ये कुमाऊँ हिमालय, और नंदा देवी चोटी इसी कुमाऊँ हिमालय का भाग है। अगला है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकन योमा कहाँ पर स्थित है? तो जो अराकन योमा है वो म्यांमार में स्थित है, कहाँ पर? म्यांमार में। अगला है, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को पूर्व से पश्चिम की ओर लगाइए। सबसे पहले पूरब वाला लगाओ, फिर पश्चिम वाला लगाओ। तो इनमें सबसे पहले पूरब में आएगा काराकोरम, मतलब सबसे पहले क्या आएगा? तीन आएगा। फिर उसके बाद आएगा लद्दाख श्रेणी, तो मतलब दूसरे नंबर पे चार आएगा। उसके बाद आएगा अजास्कर श्रेणी, और सबसे लास्ट में आएगा सबसे पश्चिम, सबसे पूरब में है, सबसे पश्चिम में है मतलब पीर पंजाल। तो फिर आएगा सबसे बाद में पीर पंजाल। तो इसका क्या हो जाएगा? 3 4 1 तो इसका सी आंसर हो जाएगा। मतलब पूरब से आपको पश्चिम में और लगाना है, तो सबसे पूरब में आपका काराकोरम आ जाएगा। काराकोरम के बाद आपका क्या आ जाएगा? लद्दाख आ जाएगा। लद्दाख के बाद आपका जास्कर आ जाएगा, और सबसे लास्ट में पीर पंजाल आ जाएगा। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन कौन सी है? तो गॉडविन आस्टेन है, गॉडविन आस्टेन इसमें भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी हो जाएगा। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच है? कुल्लू घाटी इनमें से किस पर्वत श्रेणियों के बीच है? धौलाधार, पीर पंजाल, रणज्योति, नागडिब्बा, लद्दाख तथा पोह किसके बीच है? तो क्या हो जाएगा? कुल्लू घाटी किन के बीच स्थित है? धौलाधार और पीर पंजाल के बीच कुल्लू घाटी स्थित है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है नंदा देवी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप मुझे इसका कमेंट में आंसर बताएंगे, नंदा देवी जो चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है? इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट में देंगे, नंदा देवी चोटी की ऊंचाई कितनी है। अगला है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस कल्प में हुआ था? शिवालिक श्रेणी नई श्रेणी है, आधुनिक काल है, नया पर्वत है। तो जो नया जो श्रेणी है, नया जो युवा पर्वत बने हैं, वो सेनोजोइक काल में बने हैं। तो शिवालिक श्रेणी कब बनी है? सेनोजोइक काल में। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है? तो कंचनजंगा सिक्किम राज्य में है। अगला है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी इनमें से कौन सी है? जो सबसे प्राचीन है तो वो है अरावली। अरावली जो कि राजस्थान में है, ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है भारत की। भारत ये अरावली के बारे में और फैक्ट भी जान लीजिए। देखो, अरावली जो पर्वत है वो राजस्थान में है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, ऊंची नहीं है, और भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में है। इसको आड़ा वाला पर्वत भी बोलते हैं। जो अरावली है, अरावली को आड़ा वाला पर्वत भी बोलते हैं, याद रखिएगा। और इसकी जो ऊंचाई है वो 1782 मीटर है। और अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। यहाँ पे बनास, लूनी नदी आदि निकलती हैं। लंबाई भी याद रखिएगा, 1722 मीटर इसकी लंबाई है। अरावली की सबसे पुराना पर्वत शिखर है, और गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में है, और राजस्थान को उत्तर से दक्षिण दो भागों में ये बांटती है। और जो गुरु शिखर है, यहाँ का एक सिरोही नामक एक जगह है, वहाँ पर ये है। और इसका 80% विस्तार जो है राजस्थान में, बाकी गुजरात में भी फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारत की इनमें से कौन सी श्रेणी ऐसी है जो केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? अरावली तो दो राज्यों में भी हमने बताया, सतपुड़ा भी दो में फैली हुई है, सह्याद्री भी। अजंता जो है केवल एक ही राज्य में फैली हुई है, अजंता केवल महाराष्ट्र में फैली हुई है। अजंता जो है वो कहाँ फैली हुई? अजंता एकमात्र ऐसी चोटी है जो केवल महाराष्ट्र में फैली हुई है। केवल एक राज्य में कौन सी फैली है? अजंता। भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला, देखो वलित पर्वतमाला बोल रहे हैं, मतलब है तो युवा लेकिन सबसे वलित पर्वतमाला है, तो वो भी है कौन सी? अरावली। सबसे प्राचीन वलित माला है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर अभी हमने पढ़ा है, गुरु शिखर अरावली का सर्वोच्च शिखर है। पश्चिमी घाट किस प्रकार का पर्वत है? पश्चिमी घाट एक भ्रंश पर्वत है, एक भ्रंश कगार पर्वत है पश्चिमी घाट। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की जो उच्चतम पर्वत चोटी है वो है अनाईमुड़ी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का जो सम्मिलन स्थल है वो क्या कहलाता है? उसको नीलगिरी की पहाड़ी बोलते हैं, कार्डेमम पहाड़ी या नीलगिरी पहाड़ी भी इसको बोला जाता है। पूर्वी और पश्चिमी पहाड़ियाँ जहाँ पर एक जगह पर मिलती हैं उसको बोलते हैं नीलगिरी पहाड़ी।
भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित कौन सी पहाड़ी है? जो भारत के सबसे दक्षिणी भाग में है वो है कार्डेमम पहाड़ी। इसको इलायची यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए इसको कार्डेमम बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार MPBSC ने पूछा था कि भारत के दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ कौन सी है, कार्डेमम है। अगला है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो पूर्वी घाट जो पर्वत श्रेणी है उसका जो सर्वोच्च शिखर है वो है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 1501 मीटर ऊंचा है और ये उड़ीसा राज्य के गजपति ज़िले में है और इसका रामायण में भी उल्लेख है महेंद्रगिरी पर्वत का। याद रखिएगा कहाँ पर है ये महेंद्रगिरी पर्वत, ये उड़ीसा में है और इसका रामायण में भी उल्लेख है। और ये पूर्वी घाट पर्वत, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी 1501 मीटर इसकी ऊंचाई है। कार्डेमम पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? कार्डेमम पहाड़ियाँ जो है वो केरल में स्थित है। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित है। अगला है गारो खासी, ये गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? ये मेघालय में है। ये गारो खासी और जयंती नाम की पहाड़ियाँ होती हैं उसी के सॉरी जनजातियाँ होती हैं, उन्हीं जनजातियों के नाम पर इसका नाम पहाड़ियों के नाम पर भी दे दिया है। कौन सी दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुड़ी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनाई मुड़ी दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है और केरल के एर्नाकुलम ज़िला और इडुक्की ज़िले में स्थित है। अनाई मुड़ी केरल में है, एर्नाकुलम ज़िला और इडुक्की ज़िले में स्थित है। पश्चिमी घाट की ये पहाड़ी है, 2695 मीटर इसकी लंबाई है, ये याद रखना। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, सब इसके बारे में याद रखना, 2695 मीटर इसकी लंबाई भी याद रखना। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियाँ कौन सी हैं? जो भारत के और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित कर, अराकन योमा भी है, पटकोई भी है, खांसी भी है, ये तीनों भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करते हैं। अगला है, निम्न एक पहाड़ियों पर विचार करना है, उत्तर से दक्षिण की ओर आपको लगाना है, जो सबसे उत्तर में हो उसको दक्षिण उत्तर में लगाओ। देखो सबसे उत्तर में इनमें से अगर कोई बात की जाए तो सबसे उत्तर में है महादेव पहाड़ियाँ। सबसे उत्तर में कौन सी है? महादेव पहाड़ियाँ। दूसरे नंबर पर है सतपुड़ा पर्वत और तीसरे नंबर पर मतलब सह्याद्री पर्वत सबसे नीचे चला जाता है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला महादेव पहाड़ियाँ हो जाएगा, दूसरे नंबर पर सतपुड़ा पर्वत, मतलब ये तीसरा वाला दूसरे नंबर पर जाएगा, 1, 3 और 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची कौन चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। धूपगढ़ चोटी कहाँ पर स्थित है? ये भी बहुत बार MPBSC में पूछा जा चुका है। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा रेंज में है, महादेव पर्वत में है। अरावली श्रेणियाँ कहाँ पर हैं? ये राजस्थान में है अरावली श्रेणियाँ। नंदा देवी शिखर कहाँ पर स्थित है? नंदा देवी शिखर उत्तराखंड में है। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर है? कंचनजंगा सिक्किम में है। K2 के बाद भारत में कौन सा द्वितीय सर्वोच्च पर्वत है? सब सर्वोच्च पर्वत है K2 के बाद, तो जो सर्वोच्च पर्वत है वो है K2 के बाद कंचनजंगा। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 है, लेकिन अब इसको 2 मीटर और बढ़ा दिया है। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाई कनाल, तो कोडाई कनाल पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। कोडाई कनाल कहाँ पर है? पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? सबरीमाला केरल राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स, ये हमारे महिला सुपरवाइज़र के नोट्स भी हैं। महिला सुपरवाइज़र में आपको टोटल 7 बुकलेट मिलती हैं, साथ में एक प्रैक्टिस सेट और एक वन लाइनर की बुकलेट भी मिलती है, जहां जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर अंजाम दे सकते हैं। और उसके साथ एक ऑनलाइन व्हाट्सएप का ग्रुप मिलता है जहां पर हम तैयारी कराते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमारे महिला सुपरवाइज़र के नोट्स ले सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा MPBSC प्रीलिम्स का पैकेज है, बहुत ही शानदार हैंड रिटन फ्लो चार्ट चित्रात्मक तरीके से पूरे नोट्स कवर किए गए। ये आपको इस बार प्रीलिम्स अगले प्रीलिम्स में भी हेल्प करेंगे। इसके साथ हम आपको अब ग्रुप देते हैं, ग्रुप में भी हम आपकी तैयारी करवाते हैं, ग्रुप में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो ये नोट्स अगर आप प्रैक्टिस सेट प्लस नोट्स लेते हैं तो आपका पूरा होल पैकेज हो जाएगा प्रीलिम्स का। जो प्रैक्टिस सेट मैं आपको करा रही हूँ वो MCQ फॉर्म में है और ये हमारे थ्योरी नोट्स है। तो आप दोनों भी परचेस कर सकते हैं 3999 में। बाकी आप सिंगल भी, ये 2799 का पैकेज है और आप प्रैक्टिस सेट अलग से 1399 हार्ड कॉपी प्लस या सॉफ्ट कॉपी 499 में ले सकते हैं। अगर होल पैकेज लेना चाहते हैं तो आप हमारे प्री नोट्स प्लस थ्योरी का होल पैकेज भी ले सकते हैं।
सरल भाषा में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में तैयार किए गए हैं। देख सकते हैं आप, इस प्रकार के नोट्स आपको मिलेंगे। ये नोट्स थ्योरी नोट्स हैं, पूरे थ्योरी नोट्स की जानकारी दी गई है। इस प्रकार के नोट्स आप परचेज़ कर सकते हैं। इनको पढ़ने में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा और पढ़कर आपको बहुत मतलब अच्छी अनुभूति होगी पढ़ने में, कि हम उसको और पढ़ें, क्योंकि बहुत ईजी लैंग्वेज में कवर किया गया है। नोट्स केवल हार्ड कॉपी में हैं और 7 से 10 वर्किंग डेज में आपके पास पहुँच जाएंगे। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो, आशा आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसी प्रकार के और क्वेश्चन चाहते हैं हर टॉपिक से संबंधित, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर आप ये परचेस करना चाहते तो कर सकते हैं। इसके अलावा कल जो इसका प्रैक्टिस सेट बनाऊंगी मैं, यूनिट 1 का प्रैक्टिस सेट बनाऊंगी, जिसमें आपके यूनिट 1 से आप बहुत सारे फैक्ट कवर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू।